तो रिसेंटली मेरे बड़े भाई के मोबाइल फोन में चार्जिंग में काफी ज्यादा दिक्कतें आ रही थी। उनके पास OnePlus Nord सीरीज का एक मोबाइल फोन है एंड बॉक्स के अंदर में उनको एक 65 वॉट का फास्ट चार्जर मिला हुआ था। ब्रांड्स उसको अलग अलग नाम से बोलते हैं, कोई उसको डार्ट चार्जर बोलता है, कोई वैप बोलता है, कोई वूक बोलता है, कोई डैश बोलता है। बस फास्ट चार्जिंग को अलग अलग कंपनीज अलग अलग नाम से बेचती है, बाकी अंदर का जो माल मसाला रहता है वो एकदम सेम ही रहता है। तो वो अपना चार्जर मेरे पास लेके आया कि देख लो क्या इशू आ रहा है। तो मुझे पहले से एक अंदेशा था कि अगर आपका मोबाइल फोन चार्ज हो रहा है तो होपफुली आपके डेटा केबल में इशू होगा, चार्जर खराब नहीं होगा, बिकॉज अगर चार्जर खराब होगा तो आपका बिल्कुल भी चार्ज नहीं करेगा। तो लकीली मेरे पास भी OnePlus का ही एक डिवाइस है, तो उसका 65 वाट का जो डेटा केबल था उसको मैंने निकाल दिया एंड उसके बाद फिर उनके मोबाइल फोन का जो चार्जर था उसमें मैंने कनेक्ट किया, तो बहुत ही स्मूथ तरीके से फास्ट चार्जिंग उनका होने लगा। अब इस स्टोरी को बताने का मेन मकसद यह है कि अगर आपका चार्जिंग में कुछ इशू आ रहा है तो आप डायरेक्टली पूरा का पूरा जो सेटअप है चार्जर का एंड केबल का उसको मत चेंज करो, बिकॉज काफी महंगा फटका आपको पड़ जाएगा। तो यहाँ पे आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि आपका डेटा केबल सिर्फ खराब हुआ या फिर पूरा चार्जर ही रिप्लेस करना पड़ जाएगा। उसके बाद हम लोग Amazon Flipkart पे देखे तो एक एक मीटर वाला जो चार्जिंग केबल था ओरिजिनल वाला वो कुछ 900 में मिल रहा था, बट स्टिल 900 रुपए एक डेटा केबल के लिए देना काफी ज्यादा महंगा सौदा था। सो काफी ज्यादा रिसर्च करने के बाद मुझे ये डेटा केबल मिला जो कि 65 वॉट के फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है एंड मात्र 299 रुपीज हमने इसके लिए पे किया है, 6 महीने का वारंटी के साथ आता है। अगर हम लोग OnePlus का केबल बाय करते हैं तो 900 रुपए का वो केबल था एंड इतने में हम लोग इस तरीके के 3 केबल बाय कर सकते हैं, दोनों पे 6-6 महीने की वारंटी है। तो इस तरीके के हम लोग 3 केबल सेम बजट में हम लोग 900 रुपए में 3 केबल इस तरीके बाय कर सकते हैं एंड 18 महीने की हम लोगों की वारंटी मिल जाएगी, मतलब 1.5 साल का वारंटी आपको मिल जाता है। मैक्सिमम 65 वाट तक के पावर को सपोर्ट करेगा, इवन अगर आपके पास 18 वाट 20 वाट का भी अगर आपके पास चार्जर है एंड वहां से लेके आपके पास 65 वाट तक का भी चार्जर है तो आप 65 वाट से नीचे के जितने भी चार्जर है आप सब में इसको कनेक्ट कर सकते हो। टेस्टिंग मैंने किया, 5% तक मैंने अपने बैटरी को ड्रेन कर दिया था अपने मोबाइल फोन को एंड उसके बाद मैंने चार्ज में लगाया, 35 मिनट में जो मेरा मोबाइल फोन है वो फुल चार्ज हो गया था। तो काफी अच्छे तरीके से फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। मुझे थोड़ा सा डाउट था कि इतना सस्ते में मिल रहा है तो शायद काम नहीं करेगा, बट ये बहुत ही प्रॉपर तरीके से वर्क करता है। एंड अगर आपका चार्जर खराब हुआ है तो मैंने अलग अलग बजट रेंज में जो बेस्ट चार्जर है फास्ट चार्जिंग को जो सपोर्ट करते हैं उनका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, जो आपके जरूरत के हिसाब से जो आपको चार्जर सूट करे आप जाके उसको परचेज कर सकते हो। तो बस आज के लिए इतना ही था, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके अपने भाई को सपोर्ट जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय एंड पीस।